पहनावों में सजे संवरे ये फनकार रक्स और मौसीकी के जरिए दे रहे हैं पैगामे अम। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में मुनक़िदा इस दिलफरेब तकरीब का अहतमाम पहली सार्क यंग पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज में किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तानी सकाफत की तरवीज के साथ साथ साजो आवाज के जरिए मुल्क का सॉफ्ट इमेज भी सामने लाना था। मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा ओकेजन है और बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि अपने पाकिस्तान के कल्चर और आर्ट को थ्रू यंग पार्लियामेंटेरियंस हम इंट्रोड्यूस करवाएं और बताएं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के एम्बेसडर्स हैं। सार्क ममालिक के यंग पार्लियामेंटेरियंस के लिए सजी तकरीब में आर्ट्स काउंसिल के डांसिंग ट्रूप ने अजा की शायरी से मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। टेक्सला ओडिसी, पंजाबी और कैलाश रक्स से फनकारों ने मुनफरिद इलाकाई वर्से के रंग बिखेरे, जबकि लोक फनकार की ढोल परफॉर्मेंस ने भी रंग जमा दिया। यंग पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा किया गया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और यंग पार्लियामेंटेरियंस जो कि इस रीजन में हैं वो आपस में बैठ के अपने जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फोरसी कर रहे हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं और ये नॉलेज शेयरिंग बड़ी अच्छी हो सकती है। तकरीब में शरीक मेहमानों का कहना था कि इस तरह के सकाफती शोज मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को सकाफती तबादले के जरिए एक दूसरे के करीब लाते हैं। सार्क यंग पार्लियामेंटेरियंस के लिए सजाए गए सकाफती शो में जहां फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा